हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गोपाल सिंह ब्लॉगिंग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और हमने एक पार्सल ऑर्डर किया था। तो अभी जस्ट पार्सल वाले ने हमें कॉल किया और वो अभी जस्ट आ रहा है, यानी कि 5 मिनट में करीब आ जाएगा। तो ये पार्सल जो है, यानी कि ये जो मैंने पार्सल मंगाया है, ये जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस प्रोडक्ट को ऑर्डर ज़रूर करें और काफ़ी अच्छा है, और जो कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहेगा मेरे इस ब्लॉग पे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो अभी जस्ट वो पार्सल वाला आ रहा है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगा, तो बने रहेगा मेरे इस ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है। मैं इसे रोड पे ही इसे ओपन करने लगा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स है और काफ़ी बड़ी बॉक्स दी गई है, देखते हैं बाकी अंदर में क्या है। तो अंदर में हमें कुछ इस तरीके से कचरे टाइप का कुछ मिला है, और बाकी ये एक बिल है, और ये बिल आप देख सकते हैं जो कि ये हमें 5999 का पड़ा है। तो और ये हमें लास्ट में यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है जो कि गिम्बल का बॉक्स है और काफ़ी अच्छा है। चलिए इसे भी अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसमें कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं कि 3-एक्सिस फोल्डेबल स्मार्टफोन गिम्बल, और यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं, और यहाँ पे नीचे में कुछ पिक्चर्स भी दी गई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शूट होगा। इस तरीके से पिक्चर्स दी गई है, और यहाँ पे है QR कोड, और यहाँ पे ये है गिम्बल का ऑप्शन कुछ, और ये है गिम्बल। तो आप इसे QR कोड से स्कैन करके आप इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कि इसके जो फंक्शंस हैं सारे फंक्शंस इसे ऐप में ही आपको यूज करने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसे बॉक्स से करते हैं अनबॉक्सिंग, और देखते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए इसे करते हैं अनबॉक्सिंग, और ये देखिए यहाँ पे अनबॉक्स हो चुका है। और सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इसकी जो पैकेजिंग है की गई है। और सबसे ऊपर में हमें ये एक छोटा सा कार्ड मिल रहा है जो कि लिखा हुआ है 100 रुपये का कैशबैक। अब ये कैशबैक कैसे हमें मिलेगा तो इसके बारे में बाद में जानेंगे हम। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है। तो इसके बाद हमें एक यहाँ पे यूज़र मैनुअल मिलता है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। काफ़ी सारी जानकारी इसमें दी गई है कि किस तरीके से इसे यूज करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो आप इसे अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हमें ये ट्राइपॉड के अंदर में हमें यहाँ पे एक केबल और स्ट्रैप मिल जाते हैं, और जो स्ट्रैप की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, ये आप देख सकते हैं। आप इसे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा लगाने पे, ताकि किसी प्रकार की अगर आप अपने हैंड में अगर लटका लेते हैं तो काफ़ी मतलब डैमेज होने के काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं। और बाकी ये हमें एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि सबसे बड़ी बात है कि ये सी टाइप की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सी टाइप की है जो कि नॉर्मली फ़ोनों में सी टाइप आ जाती है, और आप अपने फ़ोन के चार्जर से ही आप इसे यूज कर सकते हैं जो कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और ये है मिनी ट्राइपॉड जो कि इस तरीके से स्टैंड हो जाता है यहाँ पर, और ये है ट्राइपॉड, और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। ये सब सारे प्लास्टिक के हैं, और इसकी जो प्लास्टिक की है लेकिन बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छी है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक बैग मिल जाता है जो कि आप गिम्बल को कैरी कर सकते हैं। एक यहाँ पे पाउच है, देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है और बहुत ही मुलायम है, छूने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसे भी करते हैं साइड में, और लास्ट में ये हमारा है गिम्बल, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, इसको भी हम लोग निकालते हैं इसके पॉलीबैग से, और ये है हमारा गिम्बल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो
बनावट है, इसकी जो डिज़ाइन है आप देख सकते हैं। और चलिए इसे ओपन करते हैं और इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये ऑन नहीं है इसलिए मतलब चारों तरफ ये रोटेट कर सकता है। ये ऑन नहीं है, देखिए किस तरीके से रोटेट हो रहा है। और ऑन होने पे ये पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो जाता है और जिस तरह से आप फंक्शन की को दबाते हैं उसी तरह से ये काम करता है। तो मैंने इसे जो ऐप है, इसका जो ऐप है, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया हूँ। और चलिए इसे यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ मेरा कनेक्ट हो चुका है, ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइंड को क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ ऑप्शन आ चुके हैं और कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे इंटर कैमरा। जैसे ही इंटर कैमरा करेंगे तो ये इसमें कैमरा ओपन हो जाएगा इस ऐप के अंदर। तो ये देखिए अब इसमें हमारे सारे फंक्शंस काम करेंगे, ठीक है। आप अगर नॉर्मल आप अपने फ़ोन के कैमरा पे यूज करेंगे तो कुछ कुछ फंक्शंस काम नहीं करेंगे, बाकी इसके ऐप के अंदर सारे फंक्शंस काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल प्रेस से किस तरह से ये हॉरिजेंटल या फिर पोर्ट्रेट हो जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पे मेनू पे क्लिक करेंगे, मोड पे, सॉरी यहाँ पे देखिए मोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे ये देखिए मोड का ऑप्शन है और इस वक्त HF यानी कि हाफ फॉलो मोड पे यहाँ पे क्लिक है। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये देखिए बहुत ही आपको स्टेबिलिटी यहाँ पे दे देगा, बहुत ही स्टेबल रहेगा ये। ये देखिए काफ़ी स्टेबल रहेगा, आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे मोड को दबाते हैं, इस बार LF यानी कि LF, ये देखिए फंक्शन काम कर रहा है और ये देखिए पूरी तरह से लॉक हो गया है, लॉक फॉलो मोड जिसे कहते हैं LF, लॉक फॉलो मोड। तो ये देखिए पूरी तरह से लॉक हो गया है, ये देखिए एक टारगेट ये बना के रख रहा है, ये देखिए एक टारगेट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है FPV, FPV पे देखिए किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चार इसमें फंक्शंस दिए गए हैं, तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन ये वर्क करता है, काफ़ी स्मूथली और बहुत ही स्टेबल ये वर्क करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से आप राउंड करते हैं, आप अपने हाथ से अगर राउंड करेंगे तो वो डायरेक्ट बहुत ही झटके में वो राउंड होगा, लेकिन अगर आप इस गिम्बल से राउंड करते हैं, रोटेट करते हैं, तो काफ़ी स्मूथ तरीके से ये रोटेट होगा, राउंड होगा, जो कि आपको जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करने पे जो पावर बटन है उसे डबल क्लिक करने पे यहाँ पे देखिए स्विच हो जा रहा है कैमरा या फिर फोटो में, ठीक है। और यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करने पे ये देखिए ये आपका कैमरा फ्रंट ऑन हो जाएगा, फिर ट्रिपल क्लिक करेंगे यानी कि तीन बार अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल पे क्या होगा, डबल पे क्या होगा, ट्रिपल पे क्या होगा, तो यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आप तीन बार अगर प्रेस करते हैं तो ये देखिए कैमरा स्विच हो जाता है बैक कैमरे में, रियल कैमरे में, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो ये सब आपको ऐप के अंदर ही मिलेगा, अगर आप आप अपने फ़ोन के कैमरे से आप करते हैं तो ये आपको फंक्शन काम नहीं करेंगे, बस केवल आपको रोटेट होगा इधर उधर या लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह से रोटेट होगा। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली और बहुत ही स्टेबल तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरह से ये रोटेट हो रहा है। और अगर ये राइट या फिर लेफ्ट में अगर करते हैं तो 360 से थोड़ा सा कम यानी कि 340 या 350 आप मान सकते हैं कि 350 तक ये रोटेट हो जाता है,
360 से थोड़ा सा कम, यानी कि काफ़ी हद तक ये घूम जाता है चारों तरफ, जो कि आपको चारों तरफ की पूरी जो लोकेशन है, जो एरिया है, वो कैप्चर आपको करके दे सकता है। और बैक साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करने के लिए एक बटन दी गई है, यानी कि अगर आप फ़ोटो क्लिक करना चाहें तो फ़ोटो या फिर वीडियो आप इजीली यहाँ पे कीबोर्ड प्रेस करके आप उसे ऑन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे ये बटन दी गई है, जो कि आप यहाँ पे ग्रिप बना के रखेंगे, जब आप पकड़ेंगे तो आपके एक उंगली पे ही आपका जो फ़ोटो या फिर वीडियो है वो काम करेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा वीडियो था, तो वीडियो यहाँ पे ऑन हो चुका था। मैं यहाँ पे फ़ोटो पे करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये देखिए फिर से यहाँ पे टेक फ़ोटो जो लिखा हुआ है ऊपर वाली, यहाँ पे मैं टेक फ़ोटो पे क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे, देखिए किस तरह से ये क्लिक होता है, ये देखिए। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया हुआ है, आप बस एक ही क्लिक में आप फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं और आपको फ़ोन को टच करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बैटरी लेवल है, ये देखिए मेरा यहाँ पे बैटरी लेवल दिखा रहा है, अगर 4 पॉइंट आता है तो यानी कि फुल है। तो इस तरीके से यहाँ पे दी गई है। और साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये जो गोला वाला है, ये राइट लेफ़्ट अप डाउन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और इस तरीके से यहाँ पे फंक्शंस काम करते हैं। और राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये राइट साइड में ये जूम इन और जूम आउट करने के लिए है, इसे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। चलिए इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है फ़ोटो या फिर वीडियो में। ये देखिए इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और आपको फ़ोन को टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली केवल अपने गिम्बल से ही आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें कैमरे के अंदर में आ गए हैं और जो हमारा कैमरा का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन और काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है और बहुत ही यहाँ पे स्टेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्टेबल है ये। और यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे लाइव फेस ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। चलिए इसे ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं लाइव फेस ट्रैकिंग, इसे स्टार्ट करते हैं। और जैसे आप स्टार्ट करेंगे इसके बाद आपको अपने फ़ोन के कैमरे में चले जाना है। ये इस तरीके से काम नहीं करता, काफ़ी सारे मैंने वीडियो देखे लेकिन वो उन्होंने इस तरीके से नहीं बताया। ये आपको फ़ोन के कैमरे पे चले जाना है और यहाँ पे आपको ये कैप्चर करेगा। ये देखिए आप जिस तरह अपना जो फेस है आप जिधर भी करेंगे वो आपको ये उस साइड में लेकर के जाएगा और आपको रिकॉर्ड करके ये देगा। देखिए किस तरीके से कैमरा मोमेंट हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके फेस को कैप्चर कर रहा है, ये देखिए। तो इस तरीके से जो इसका फेस ट्रैकिंग है ये काम करता है। और फिर से हम लोग अपने यहाँ पे ऐप पे चले जाते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है यहाँ पे एक फ़ोटो वीडियो, ये तो ठीक है लेकिन लास्ट में व्लॉगिंग दिया हुआ है, ये देखिए इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं ये व्लॉगिंग क्या है। तो आपको यहाँ पे कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं, ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं। फर्स्ट वाले पे हम क्लिक करके देखते हैं आखिर ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए, तो जो हमारा कैमरा एंगल है इस तरीके से काम करेगा। चलिए यहाँ पे इसके ऑन करते हैं और ये देखिए कुछ इस तरीके से सिनेमैटिक जो शूट कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और बहुत जगह पे यानी कि काफ़ी सारे ऐसे पैलेस हैं जो इस तरीके से आपको वीडियो अगर बनाना चाहें तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाओ क्या ब्यूटीफुल सीन आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं और बाकी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पे देखेंगे।
सेकेंड हमारा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, आप यहाँ पे सेकेंड लगा सकते हैं कि कितने सेकेंड में आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। और यहाँ पे पेनोरोमा का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आप अगर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। सेटिंग के ऑप्शन पे आप इसके गेम्बल को सेटिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे सेटिंग दी गई हैं उसे कर सकते हैं, लाइव ट्रैकिंग, फेस मोड और काफ़ी सारे बहुत सारे इसमें फंक्शन दी गई हैं, ग्लैडिंग फ्लैश वगैरह भी यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये वर्क हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये गैलरी है, गैलरी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं साइड में सबसे नीचे, तो जो भी आप शूट करेंगे आपके गैलरी में चला जाएगा। और यहाँ पे कुछ मैंने गिम्बल से शूट किया हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इसकी कैमरे की क्वालिटी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्टेबल है। आप अपने हैंड से इस तरीके के वीडियो कभी आप नहीं बना सकते हैं। आप गिम्बल की क्वालिटी आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ का मूवमेंट हो रहा है, रोटेट हो रहा है और कितना अच्छा ये सीन आ रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं, वाओ। तो इस तरीके से वीडियो आप बना सकते हैं, ये देखिए बहुत ही स्टेबल तरीके से यहाँ पे ये वीडियो को शूट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ये वर्क हो रहा है, तो आप देख सकते हैं और कितना स्मूथ तरीके से ये पूरा रोटेट हो रहा है। यानी कि अगर आप अपने हैंड से अगर रिकॉर्ड करते हैं तो आप डायरेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप गिम्बल की मदद से यहाँ पे करते हैं तो बहुत ही स्मूथली तरीके से, बहुत ही स्टेबल तरीके से ये रोटेट होता है और आपको बेहतरीन जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो ला करके देता है। देखिए नीचे ये ग्राउंड से मैंने लिया हूँ बहुत ही नीचे करके, ये देखिए कितना अच्छा ये यहाँ पे सीन आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैमरे को एकदम नीचे डाउन करके मैंने लिया हूँ तो इस तरीके से कोई यहाँ पे इसका सीन आता है। तो फ्रेंड्स ये मैं एक पास के पार्क में आया हूँ और कितना अच्छा ये आ रहा है। अगर इसकी वीडियो, जो पार्क का वीडियो है, अगर वो देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसका पार्क का पूरा वीडियो लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और बाकी अगर आपको इससे बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से इजीली बाय कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ा है, काफ़ी दिन लगे हैं इसे शूट करने में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और नीचे जो भी बात हो आपको नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा।